नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ आंचल तिवारी। आप देख रहे हैं उस वक्त हो गया है खबरों की खबर का। आप सभी का खबरों की खबर में एक बार फिर स्वागत है। मुंबई के खार में 31 दिसंबर की रात 22 वर्षीय जानवी कुकरेजा नाम की लड़की की मौत में अब भी कई राज है। जिस पर से पर्दा उठना बाकी है, जैसे जैसे मुंबई पुलिस की तफ्तीश आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे घटनाक्रम के अधूरे तार भी जुड़ते जा रहे हैं। हालांकि मुंबई पुलिस ने जानवी के हत्या के मामले में उसके दो दोस्त श्री जोगधनकर और दिया पारनकर को गिरफ्तार भी किया है, लेकिन अब भी कई ऐसे राज हैं जिनसे पर्दा उठना बाकी है कि उस रात के पीछे कत्ल की असल वजह आखिर क्या थी। दिया ने घटना के 4 दिनों बाद पुलिस को अपने बयान में बताया कि आरोपी श्री ने पार्टी में आने से पहले मेरी जुआना यानी गांजे का सेवन किया था। हालांकि इसमें सच्चाई कितनी है इसकी जांच पुलिस कर रही है। मुंबई पुलिस के सीनियर अधिकारी के मुताबिक 31 दिसंबर नए साल पर उस पार्टी में किस किस ने ड्रग्स का इस्तेमाल किया था या फिर नहीं, इस बात की जांच के लिए हर किसी के ब्लड सैंपल और यूरिन सैंपल लिए गए हैं, जिसे फॉरेंसिक लैब भेज दिया गया है। रिपोर्ट आने के बाद स्पष्ट हो पाएगा कि पार्टी में मौजूद किसी ने किसी भी प्रकार के मादक पदार्थ का सेवन किया था या नहीं। जिस नए साल की पार्टी में जानवी कुकरेजा का कत्ल हुआ, उस पार्टी में आने वालों के लिए कुछ नियम भी बनाए गए थे। मुंबई पुलिस सूत्रों के मुताबिक यह पार्टी यश आहूजा ने ऑर्गेनाइज की थी, जिसका नियम था ब्रिंग योर ओन बूज, यानी जिसको जो ड्रिंक पीनी है वो खुद अपना लेकर आए। पुलिस के मुताबिक उस पार्टी में कुल 12 लोग मौजूद थे, जिसमें 5 लड़कियां थी। इस पार्टी में श्री एकलौता शख्स था जिसे इन्वाइट नहीं किया गया था, बल्कि वो दिया और जानवी के साथ पार्टी में आया था। पार्टी में मौजूद लोगों में से एक शख्स ने पुलिस को बताया कि श्री और जानवी कुछ सालों से एक दूसरे के साथ थे। जानवी श्री को लेकर काफी सीरियस भी थी, लेकिन उस पार्टी में श्री गलत हरकत करते हुए दिखाई दिया। 31 दिसंबर की रात 12:20 पर श्री और जानवी के साथ नजदीकियां बढ़ाते हुए देखा गया और थोड़ी देर बाद उसने दिया को टेरेस पर एक सोफे पर लेटते हुए देखा। दिया उस समय अपने होश में नहीं थी, जिसके बाद श्री उसके पास जाकर लेट गया और उससे नजदीकियां भी बढ़ाने लगा। जानवी को यह सब देखकर बहुत बुरा लगा, फिर वह एक कोने में जाकर दोस्त को कॉल की और श्री के बारे में बताने लगे। जानवी जिस वक्त अपनी दोस्त से श्री के बारे में बात कर रही थी, उसी दौरान श्री और दिया को 5वें फ्लोर की तरफ जाते देखा और यह उनका पीछा करके पहुंची तो देखा दोनों एक दूसरे के करीब थे। जानवी से फिर यह देख कर रहा नहीं गया और यह उनके पास पहुंची तो वहां पर झगड़ा शुरू हो गया। पुलिस की माने तो लड़ाई इतनी तेज थी कि दोनों एक दूसरे के बाल खींचकर एक दूसरे से झगड़ा करते हुए नाखून मारने लगे। इसी दौरान जानवी ने दिया को धक्का दिया, जिससे कि सीढ़ी की रेलिंग से सर टकराया और वो गिर गए। ओर से खून गिरने लगा तो दिया यश के कमरे में जाकर लेट गए। आगे क्या हुआ फिर दिया को कुछ भी याद नहीं है। पुलिस के अनुसार रात 2 बजे दिया के जाने के बाद श्री और जानवी के बीच लड़ाई शुरू हो गई और फिर दोनों एक दूसरे के साथ मारपीट करने लगे। जिन सीढ़ियों पर दोनों की लड़ाई हो रही थी, जानवी की लंबाई छोटी होने की वजह से वह नीचे गिर गई थी। श्री ने जानवी के सिर से खून निकलते हुए देखा और वह डर कर वहां से भाग गए। कुछ देर बाद जानवी कुकरेजा की मौत हो चुकी थी। फिलहाल सबूतों की तलाश में पुलिस सीन रिक्रिएशन के लिए घटनास्थल पर पहुंची, लेकिन 2 घंटे की कोशिश के बाद भी किसी अंजाम तक नहीं पहुंच सकी है। दोनों आरोपी पुलिस हिरासत में हैं, लेकिन दोनों ही कुछ याद नहीं होने का बहाना कर रहे हैं। वहीं पुलिस को इस घटना से जुड़े कोई चश्मदीद नहीं होने के कारण किसी भी स्थिति में पहुंचने में काफी दिक्कत भी हो रही है। हालांकि पुलिस पूरी जी जान से कोशिश कर रही है कि इस पूरे मामले का पोल खोला जाए और खुलासा किया जाए कि आखिरकार लड़की की मौत कैसे हुई है। तो खबरों की खबर में ये थी हमारी आज की खास खबर। इसी तरह की खास खबरों के लिए जुड़े रहिए खबरों की खबर में। तब तक के लिए नमस्कार।